यार आप लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट में बोला था कि एक आरसी फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए, तो यार वो फॉर्च्यूनर को मैं पिछले एक साल से ढूंढ रहा हूँ पर मेरे को कहीं पे भी मिल नहीं रही थी। अब जाके फाइनली एक फॉर्च्यूनर मेरे पास आ चुकी है भाई साहब। इसको बोलते हैं टोयोटा फोर रनर। एक्चुअल में गाइस अभी जो फॉर्च्यूनर अपग्रेड होके आने वाली है मार्केट में वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देने वाली है, और ये फोर व्हील ड्राइव भी है जैसे कि रियल फॉर्च्यूनर होती है। यहाँ पे देखो यार इसके अंदर काफी सारे फीचर्स दिए गए। ओ माय गॉड गाइस, आज मेरे को लग रहा है कि ये फॉर्च्यूनर के लिए मेरे को एक अलग स्पेशल ट्रैक बनाना पड़ेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि फॉर्च्यूनर जो है कितनी ज्यादा पावरफुल आरसी कार होती है। तो आ जाओ गाइस इधर, तो चलो गाइस फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से दबा देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे जरूर से एक लाइक जरूर से ठोक देना यार। तो ये बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर मेरे को दो बॉक्सेस मिले हैं, ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है। सबसे पहले ये वाला बॉक्स मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ओ माय गॉड यार, मेरे को तो लगा था कि ये फॉर्च्यूनर थोड़ी सी छोटी होगी पर इसका साइज देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है। अरे बाप रे, एक काम करते हैं गाइस फिलहाल इसको मैं यहीं पे रखूंगा। इसके साथ और क्या क्या चीज़ें मिली है वो एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। इसके अंदर एक पैकेट मिला है मेरे को, और यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। ये इसकी यूज़र गाइड है, यहाँ पे इसके कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए गए हैं, और ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। ऊपर की तरफ यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस भी इसके अंदर दिए गए हैं, दो नॉब से भी बहुत सारे बटन से। तो अब बात करते हैं हमारी कार के बारे में। सामने देखो यार टोयोटा की ब्रांडिंग दी गई है, तो इसकी एक चीज़ मेरे को बहुत मस्त लगती है गाइस, वो है इसके डोर्स। देखो ये वाला डोर ओपन हो जाता है, और एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये खुल जा सिम, ये वाला डोर भी ओपन हो जाता है, इस तरफ का डोर भी ओपन हो जाता है, ये वाला डोर भी हम लोग जो है इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक और चीज़ ये देखो गाइस मैजिक, इस तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं। अंदर सीट्स वगैरह यार बहुत ज़्यादा कमाल की दी गई है। ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के ऊपर टोयोटा का लोगो भी आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सामने का बोनट भी हम लोग इसका ओपन कर सकते हैं। ये इसका इंटीग्रेटेड सर्किट है गाइस, देख रहे हो इसी से ही ये काम करता है। एक्चुअल में आप इसको ESC भी बोल सकते हो, यहाँ पे आपको एंटीना भी दिख रहा होगा। फिलहाल इसको मैं इसी के अंदर रख देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। सामने हेडलाइट भी इसकी प्रॉपर तरीके से काम करती है, और टेल लाइट भी काम करती है, और तो और इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह भी दिया गया है। अब देखो गाइस एक मस्त वाली चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैटरी को चार्ज करने का केबल है। अब इसकी बैटरी दिखा देता हूँ, तो ये है दोस्तों इसकी बैटरी। इस तरीके का एक बैटरी पैक दिया गया है, यहाँ से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बैंड भी यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर बैटरी को लगाने के लिए। पीछे की तरफ से तो यार ये बिल्कुल रियल फॉर्च्यूनर जैसी ही दिखाई दे रही है। डोर्स मैंने बंद कर दिए हैं, अब इसके अंदर बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी पैक यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करके हम लोगों को लगाना पड़ता है। ये देखो गाइस मैंने लगा दिया है। अंदर की तरफ एक स्मोक एमिटर भी है, जैसे जैसे हम कार को चलाएंगे ना तो यहाँ पे एक पाइप है, पाइप के अंदर से धुआं भी निकलने लगता है जैसे कि रियल फॉर्च्यूनर में निकलता है। तो मैं बंद कर देता हूँ। सस्पेंशन सेटअप बहुत ज्यादा स्मूथ है। फॉर्च्यूनर को मैंने टाटा ट्रक के साइड में भी रख के देखा था, ये तो काफी ज्यादा दमदार लग रही थी। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार टाटा ट्रक का कैबिन टूट गया था कम्प्लीटली, अब धीरे धीरे करके इसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, देखते हैं क्या ये टाटा ट्रक के अंदर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। 4x4 मैंने एक्टिवेट कर दिया है, अरे बहुत ज्यादा पावरफुल है ये टोयोटा। तो आज मैं ये फॉर्च्यूनर की बहुत सारी कार के साथ ट्रैक टेस्ट करने वाला हूँ, जैसे कि ये जिम्नी है, आप लोगों को पता ही होगा जिम्नी 4x4 होती है, और रेंज रोवर भी है मेरे पास, टोयोटा की एक बहुत ही खतरनाक टोयोटा प्राडो भी है, और इन सबकी बाप यहाँ पे आ चुकी है मिलिट्री जीप। देखते हैं गाइस क्या ये आज अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। चलो गाइस पहले आपको मैं ट्रैक दिखा देता हूँ, तो इस ट्रैक की शुरुआत यहाँ से मैं करने वाला हूँ। तो आज हमारे पास फॉर्च्यूनर है, देखो फॉर्च्यूनर को गड्डियों के ऊपर चलाने वाला हूँ। देखो इस तरीके के मैंने स्टेप्स बना दिए हैं, देखते हैं क्या हमारी फॉर्च्यूनर ये गड्डियों पे से निकल पाएगी या फिर नहीं। उसके बाद हमारी फॉर्च्यूनर आएगी ये वाले ब्रिज के ऊपर, यहाँ पे देखो इसमें बहुत सारे आईफोन्स भी लगा दिए हैं स्पीड ब्रेकर के जैसे काम करेंगे। अगर एक भी टायर स्लिप होगा ना तो हमारी कार जो है नीचे धड़ाम से गिर भी सकती है। उसके बाद हमारी कार आने वाली है ये टाटा के बड़े से ट्रक के ऊपर, इसके ऊपर से इसको निकल के आना पड़ेगा ये आईपैड के ऊपर। इसकी सरफेस बहुत ज्यादा स्लिपरी है, हमारी कार धड़ाम से नीचे भी गिर सकती है। अगर कार यहां से निकल जाएगी तो हमारी कार आएगी इंडियन ऑयल के टाटा ट्रक के ऊपर।
इसका जो सरफेस है थोड़ा सा गोल मटोल है गाइस, यहाँ से भी कार फिसल के नीचे गिर सकती है। अगर कार के टायर्स काफी परफेक्ट होंगे तो कार इसके ऊपर से काफी आराम से निकल के यहाँ तक आ जाएगी। कार एकदम फिसल के अनबैलेंस होकर नीचे भी गिर सकती है। अगर कार यहाँ से निकल भी जाती है तो आएगी ये वाले लैपटॉप के ऊपर, यहाँ पे भाई साहब इसका सामना होगा स्लिपरी स्क्रीन के साथ। फिर मैं कार को चलाने वाला हूँ ट्रैक्सेस अल्टीमेट ट्रक के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का टेप लगा रखा है, ये ब्रिज के जैसा यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद हमारी कार आएगी यहाँ पे ट्रैक्सेस के इंजन के पास, के बाद कार हमारी यहाँ पे जंप लगाएगी। फिर देखो गाइस यहाँ से हमारी कार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। कार के टायर अगर छोटे होंगे तो ये स्पाइक्स के अंदर कार फंस भी सकती है। फिर हमारी कार आएगी सबसे खतरनाक रास्ते के ऊपर, ये एक राउंड शेप वाले ब्रिज को मैंने बना दिया है। ये ब्रिज इतना ज्यादा खतरनाक है कि ऑलमोस्ट सभी की सभी कार्स यहाँ पर आकर फेल होने के पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर हमारी कार को ये वाले रैंप के ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो गाइस छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स भी है। फिर जो भी कार यहाँ तक पहुंचेगी वो होगी आज की विनर। देखते हैं गाइस आज ये खतरनाक से ट्रैक के ऊपर कौन सी कार जीतती है। तो गाइस सबसे पहले टोयोटा प्राडो को मैं चलाने वाला हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ रोड के ऊपर। तो चलो गाइस इसको चलाते हैं। ये क्या हो गया, टोयोटा प्राडो के साथ यहाँ पर आकर ये फंस चुकी है गाइस। ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी काम करने वाला हूँ मैं, इसको थोड़ा सा वापस पीछे कर लेते हैं। ये पीछे आ चुकी है और थोड़ा पीछे कर लेते हैं, एकदम फास्ट इसको निकालने के लिए ट्राई करते हैं। ओ तेरी भाई साहब, इतनी ज्यादा पावरफुल कार देखो यार, इतने से पैसों के ऊपर से नहीं निकल पा रही है। तो एक काम करते हैं गाइस इसको हटाते हैं ट्रैक के ऊपर से, मेरे को नहीं लगता इससे आगे ये जा पाएगी। ओके गाइस अब मैं चलाने वाला हूँ जिम्नी को। पिछली बार जो जिम्नी मेरे पास थी वो थोड़ा सा जल गई थी, इसलिए मैंने एक नई जिम्नी मंगवाई है। इसके अंदर पीछे की तरफ से स्मोक भी निकलने लगता है जैसे आप कार को ऑन करते हो, भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसी बात पे वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको। इसके अंदर से तो भाई काफी खतरनाक सी आवाज भी आने लग रही है। ये देखो गाइस भाई मजा आ गया यार। देखो इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस काफी ज्यादा कम थी, फिर भी यहाँ से ये जंप मार के निकल चुकी है। ओ भाई नीचे गिरते गिरते बच चुकी है। अब थोड़ा सा इसको सही करके मैं देखता हूँ आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे अभी आईफोन का स्पीड ब्रेकर भी आने वाला है। ये स्पीड ब्रेकर के ऊपर से इसने चढ़ाई कर दी है। ओ तेरी भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर आकर ये फिसलने लग रही है। ठीक है थोड़ा सा स्पीड निकालने के लिए मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। ये निकल चुकी है आईफोन के ऊपर से, अब गोल्डन आईफोन आ चुका है इसके सामने। यहाँ से भी इसने भाई काफी परफेक्टली चढ़ाई कर दी है। अब देखते हैं गाइस क्या ये इससे आगे बढ़ पाएगी या फिर नहीं। तेरी ये क्या हो गया गाइस इसके साथ। गाइस आईफोन का जो सरफेस है ये काफी ज्यादा स्लिपरी होने के कारण गोल्डन आईफोन के पास आकर ये थोड़ा सा फिसल के ट्रैक से बाहर आ चुकी है। इसको मैं आगे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है गाइस। सैडली हमारी जिम्नी को भी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा। अब मैं चलाने वाला हूँ रेंज रोवर को, ये भी एक मोस्ट पावरफुल आरसी कार है। यार अब तक दो कार्स यहाँ पर आकर फेल हो चुकी है, देखते हैं ये कितनी दूर तक जा पाएगी। ये देखो गाइस, ओ भाई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये नोटों की गड्डी पे से ऐसा जंप मार के निकल जाएगी। तो अब इसको ब्रिज के ऊपर मैं चढ़ाने वाला हूँ, ये तो चढ़ा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है गाइस ये कार के साथ, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं जा पा रही है। ये आईफोन इसको बार बार रोक रहा है यहाँ पे, एक और बार ट्राई कर। ये देखो यार यहाँ तक जा रही है, इसके बाद यार इसके अंदर पावर खत्म हो रही है, इससे ज्यादा ये आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही है। दोस्तों फिर एक बार दिखाता हूँ, ये देखो, ये लो गाइस देखो टायर तो काफी स्पीड से घूम रहा है। फुल बटन भी मैंने इसके अंदर प्रेस करके रखा है, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ ये इधर आके रुक रही है। ये आज क्या हो रहा है गाइस, दिखने में तो ट्रैक बड़ा ही सिंपल है पर ये ट्रैक बहुत ज्यादा स्लिपरी होने के कारण कार्स आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब मेरे को लगता है टोयोटा फॉर्च्यूनर को लाना ही पड़ेगा ये ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए। देखते हैं गाइस इसको चला के। चलो गाइस अभी मैं इसको चला रहा हूँ, ये देखो यार नोटों की गड्डियों के ऊपर से। ओ भाई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये नोटों की गड्डी पे से ऐसा जंप मार के निकल जाएगी। चलो ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं। सामने आईफोन का स्पीड ब्रेकर आ चुका है, भाई साहब मजा आ रहा है यार। इसको चलाने में काफी आराम से निकल गई थी पर यहाँ पर आकर ये भी फिसलने लगी है। तो इसको थोड़ा सा पीछे लेके मैं स्पीड में निकालता हूँ। ये चढ़ चुकी है गोल्डन आईफोन के ऊपर, अब देखते हैं इससे आगे ये बढ़ पाएगी या फिर नहीं। ये निकल चुकी है भाई, क्या चल रही है यार ये तो सच में यार। फॉर्चुनर फॉर्चुनर है, फॉर्चुनर के सामने सब बेकार है। यहाँ पे आ चुकी है अब ये टाटा ट्रक के ऊपर। ओ भाई इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है यार, देखो
ये टेप धीरे धीरे करके निकलने लग रहा है, ये इसी तरीके से चल पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड, काफी आराम से निकल चुकी है। देखो आईपैड के ब्रिज के ऊपर आकर ये रुक चुकी है। अब इसको जाना पड़ेगा हमारे ऑयल टैंकर के ऊपर। ये ऑयल टैंकर के ऊपर भी काफी इजीली चल रही है दोस्तों। देखते हैं गाइस क्या अब ये लैपटॉप के ऊपर से निकल पाएगी या फिर नहीं। भाई साहब देखो इसके अंदर दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट। यहाँ पे मैंने रिमोट को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। देखो गाइस ये अपने आप इस तरीके से बैलेंस हो रही है। ठीक है अब इसको नीचे उतारते हैं। यहाँ पे जो सरफेस है ये काफी ज्यादा स्लिपरी है तो इधर तक पहुंच चुकी है। देखते हैं गाइस इससे आगे ये बढ़ पाएगी या फिर नहीं। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लैपटॉप का स्क्रीन बहुत ज्यादा स्लिपरी है, इस वजह से टायर को यहाँ पे ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है। भाई क्या हो गया यार, फॉर्चुनर भी ये ट्रैक के ऊपर नहीं चल पा रही है। सैडली फॉर्चुनर को अभी यहीं पे ही रोकना पड़ेगा मेरे को। अब मेरे पास ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए सिर्फ ये एक कार बची है। ऑफ रोडिंग तो बहुत मस्त तरीके से कर सकती है तो चला रहा हूँ इसको मैं। ओहो इसके टायर्स तो काफी बड़े है यार। देखो इसने पैसों को ही पूरा उधर इधर फैला के रख दिया है। ओके देखते हैं क्या है, ब्रिज के ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। सामने के टायर तो काफी आराम से ऊपर चढ़ चुके हैं। ओ माय गॉड सामने आईफोन सा है, आईफोन के ऊपर से भी इसने बहुत मस्त तरीके से चढ़ाई कर दी है। दूसरे स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी निकल चुकी है। भाई मजा आ रहा है यार इसको भी चलाने में। देखो इसका सस्पेंशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसके टायर्स भी काफी ज्यादा बड़े साइज के है, इस वजह से इसको यहाँ पे ग्रिप भी काफी अच्छे से मिलने लग रही है गाइस। ऐसे ही मैं इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके यहाँ पे अब बहुत ही खतरनाक सा रास्ता आ चुका है, थोड़ा सा मेरे को स्पीड निकालना पड़ेगा वरना ये पलट सकती है। अबे यार ये तो सच्ची में ही पलट गई यहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जंगल में चलने वाली आरसी कार यहाँ पर आकर फेल हो जाएगी। रीजन गाइस वही है, स्लिपरी सा सरफेस होने के कारण, आईपैड के ऊपर से इसका बैलेंस खराब होने के कारण ये यहाँ पे गिर चुकी है। अभी मेरे को एक आइडिया आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्चुनर बिल्कुल भी ट्रैक से बाहर नहीं गिरी है। ओके ट्रैक से इसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वाला विंच लगा है। इसके अंदर एक मोटर होती है, ठीक है। ये विंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये आ चुकी है हुक, थोड़ा सा और इसको खींच लेते हैं। अब फॉर्चुनर के नीचे ये हुक को मैं यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ। देखो गाइस अटैच हो चुका है। अब रिमोट को मैं ऐसे ही रख देता हूँ। देखते हैं क्या हमारी ट्रैक्सेस अल्टीमेट ट्रक का विंच ये फॉर्चुनर को ऊपर खींच के लेके आ पाएगा या फिर नहीं। ठीक है इसको चढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं। ओ भाई आवाज़ तो सुनो यार इसकी विंच की, कितनी ज़्यादा पावरफुल आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। ये देखो गाइस, अरे बाप रे ये विंच तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार। यहाँ पर हमारी फॉर्चुनर अटक गई थी, ये विंच ने इसकी हेल्प कर दी है ऊपर चढ़ने में। ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, तो आराम से हमारी फॉर्चुनर पहुंच चुकी है ऊपर। अब विंच को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। अब देखते हैं गाइस क्या हमारी फॉर्चुनर ऊपर चढ़ाई कर पाएगी या फिर नहीं। धीरे धीरे से मैं इसको ऊपर चढ़ा रहा हूँ, काफ़ी इजीली ऊपर चढ़ रही है फॉर्चुनर। भाई फॉर्चुनर का जलवायु अलग है यार। इधर आके इसका शाफ्ट थोड़ा सा फंस रहा था, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड निकालूंगा यहाँ से। ये आ चुकी है भाई, देखो यहाँ पर आकर ये रुकी। अब इसको यहाँ से जंप मार के नीचे उतरना होगा गाइस। उतारते हैं इसको, भाई मजा आ गया यार। फॉर्चुनर यहाँ तक पहुंच चुकी है गाइस, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको कट। ये निकल चुकी है फॉर्चुनर, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ओ भाई इसके ऊपर तो स्पाइक्स गिर चुके हैं यार। यहाँ पे देखते हैं ये चल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि इसके टायर्स थोड़े से छोटे मेरे को लग रहे हैं। बाकी फॉर्चुनर काफ़ी आराम से यहाँ पे भी चल रही है, तो अब इसको मैं सही तरीके से सेट कर लेता हूँ। ठीक है अब फॉर्चुनर बिल्कुल ब्रिज के अलाइनमेंट में आ चुकी है। इसको धीरे धीरे करके मैं ऊपर चढ़ाने वाला हूँ, पूरा फोकस करके इसको चढ़ाना होगा यार, वरना फॉर्चुनर यहाँ से पलट के नीचे भी गिर सकती है। देखो जैसे जैसे फॉर्चुनर आगे जा रही है, यहाँ पे ये जो लाइट है इसकी भी जो रफ्तार है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ तक तो ये पहुँच चुकी है और थोड़ा सा रास्ता बचाएगा, ऐसे ही मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ओ माय गॉड थोड़ा सा मेरे को धक धक भी हो रहा है। ये फाइनली फॉर्चुनर ऊपर चढ़ाई करके आ चुकी है दोस्तों। कोई भी कार इससे आगे तक नहीं बढ़ पाई है। देखो फॉर्चुनर ने भाई कमाल करके रख दिया है। अब फॉर्चुनर के सामने है ये एकदम कठिन रास्ता इसके सामने। ओहो भाई क्या पावर है यार फॉर्चुनर के अंदर। यहां पर आकर ये थोड़ा सा स्टक हो चुकी है, थोड़ा सा इसको मैं स्पीड निकालने के लिए ट्राई करता हूं गाइस। अब देखो फुल ट्रिगर देके मैं इसको निकालने के लिए कोशिश करूंगा। ये फॉर्चुनर चढ़ चुकी है भाई, क्या चल रही है यार, मजा आ गया।
रियल फॉर्च्यूनर चलाने में भी इतना मज़ा नहीं आता है गाइस, ये फॉर्च्यूनर चलाने में मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आ चुका है। आज की ट्रैक की चैंपियन बन चुकी है हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर। ओके भाई साहब, आप देखते हैं क्या ये टोयोटा फॉर्च्यूनर हमारे टाटा ट्रक को खींच पाएगी या फिर नहीं। टाटा ट्रक के अंदर थोड़ा सा लोड भी डाल देते हैं। टोयोटा प्राडो और जिमनी को मैंने इसके अंदर चढ़ा दिया है, एक रस्सी को बांध दिया है, देखते हैं गाइस पुल करके। अरे बाप रे, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस, देखो इतनी सी फॉर्च्यूनर भाई इतने बड़े टाटा ट्रक को इतने ढेर सारे लोड के साथ खींच के लेके जा रही है, मजा आ गया यार। अब सेम पुल टेस्ट टोयोटा प्राडो के साथ भी करके देखते हैं, ये भी एक बहुत पावरफुल कार है। अरे गाइस देखो, इसके तो टायर यहाँ पे स्लिप होने लग रहे हैं, मेरे को लगा था कि ये काफी आराम से खींच लेगी पर नहीं खींच पा रही है। सेम टेस्ट मैंने जिमनी के साथ भी करके देखा था, जिमनी भी टाटा ट्रक को अपनी जगह से हिला तक नहीं पा रही थी। तो भाई फॉर्च्यूनर इतनी ज्यादा पावरफुल निकलेगी मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इसका तो जलवा है यार पूरा का पूरा। पर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सी कार खरीद के लेके आऊं। चलो भी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। पहला नाम है आदित्य, मोहित, केविन, रौफ, अंश, राहुल, हुजैर, राजीव, नितेश, अरमान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।